हाजिर हरियाणा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महाकालेश्वर शिव शंभु की महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवपुरी। शिवपुरी के भव्य मेले को देखकर ऐसे लगता है कि हम केदारनाथ में भोले बाबा के दर्शन करने आए हुए हैं। शिवपुरी के अंदर विराजमान शिवलिंग को रोज सजाया जाता है और जलाभिषेक किया जाता है। शिवपुरी में शिव शंभु की आरती को देखकर ऐसे लगता है कि भोले बाबा के हमने साक्षात दर्शन कर लिए हैं। शिवपुरी के अंदर विराजमान देवताओं की मूर्तियों को देखकर परम सुख और आनंद की अनुभूति होती है। तो आइए हम भोले बाबा का दर्शन करते हैं और बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप जहाँ तक देखोगे भोले बाबा के भगत शिवपुरी के अंदर यहाँ शिवपुरी का मेला देखने आए हैं और भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं हाजिर हरियाणा के अंदर, मैं आपके साथ अब आपको दर्शन कराता हूँ शिवपुरी के, और भोले बाबा के भक्तों से हम बातचीत करते हैं। आइए हम बाबा के दर्शन करते हैं और बाबा के दर्शन करने आए हुए भोले बाबा के भक्तों से बात करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भोले बाबा की जो यहाँ रोज़ श्रृंगार आरती होती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बहुत बढ़िया श्रृंगार आरती होती है, बढ़िया तरीके से, भव्य तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आरती होती है। तो बहुत केदारनाथ की तरह भव्य तरीके से आरती होती है। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जो शिव शंभु की आरती होती है उसका नज़ारा कैसा रहता है? ये भूतेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है जी, बहुत प्राचीन मंदिर है, नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो शायद तक कि हरियाणा में पहली जो भस्म आरती है वो इसी मंदिर में स्टार्ट हुई होगी। और शाम को जो दृश्य होता है आपने देखा ही होगा, भस्म आरती का और श्रृंगार आरती का बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। शंकर जी की जो लीला होती है वो झलकती है उस दृश्य के अंदर। बिल्कुल, मैंने सुना नहीं बिल्कुल देखा भी है, काफ़ी वीडियो यहाँ से प्रचलित हुई है, शेयर हुई है, जो यहाँ की जो आरती होती है और जो श्रृंगार होता है वो लोगों ने काफ़ी देखा है और उसी से प्रभावित होकर नहीं, उससे पहले भी यहाँ, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ भक्तों की तादाद लगभग साल में दो बार यहाँ मेला लगता है और भगतजन यहाँ भोले बाबा के दर्शन करते हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि इस मंदिर का कितना इतिहास है? इतिहास तो बहुत पुराना है जी मंदिर का, मेरे तो पैदा होने से पहले का ही होएगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जैसा कि लोगों को ज्ञात होगा कि नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होता है वो सबसे हमारे बढ़िया शिवलिंग माना जाता है हमारे जो ग्रंथों के हिसाब से, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है जी। और मनोकामना पूरी होती है सारी भक्तों की यहाँ पे, तभी इतनी आप देख पा रहे हो कितनी भीड़ है। सुबह से मेला लगा रहता है जी शिवरात्रि के दिन, तो और सुबह शाम डेली भस्म आरती श्रृंगार आरती होती है जी। तो जी आप हमारे को थोड़ा दर्शन करवाएंगे? आइए जी। तो देखिए हर दिन भोले बाबा के भगत यहाँ जलाभिषेक करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ हाजिर हरियाणा में शिवपुरी। तो आइए आपको मेले की रौनक दिखाते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवपुरी में आए हुए सभी शिव भक्तों का हाजिर हरियाणा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। आप देखते रहिए हाजिर हरियाणा